सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सन्यून हैक्स। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो रहेगी हमारी VPS बेस पे। VPS मींस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आपने अक्सर देखा होगा जो हैकर्स होते हैं वो VPS का यूज करते हैं ताकि वो खुद को ट्रैक ना कर सके। तो सेम VPS को अगर हम ऑनलाइन परचेज करेंगे तो उसका जो स्पेंड है बहुत ज़्यादा होता है। कोई नहीं, आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फ्री में VPS क्रिएट कर सकते हैं, वो भी 2 से 3 GB पर सेकंड इंटरनेट की स्पीड के साथ। कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पास आपका खुद का GitHub पे अकाउंट है तो बेटर है, नहीं है तो आप उसे बना लें। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिपोजिटरी बनानी है। उसको किस तरह बनाते हैं चलिए देखते हैं। मैंने रिपोजिटरी पर क्लिक किया, देन क्लिक किया न्यू। न्यू पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये मेरा नाम आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्री VPS। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको मन करे। मैंने इस फीस से किया प्राइवेट पे। प्राइवेट पे करने के बाद 10 क्रिएट, तो मेरा जो रिपोजिटरी है फ्री VPS नाम से क्रिएट हो गया है। ओके, तो क्रिएट होने के बाद आपको क्या करना है, होम पे आना है। होम पे आने के बाद आपकी फ्री रिपोजिटरी पे आना है और देख आपको आपका फ्री VPS पे क्लिक करना। अब आप आपकी रिपोजिटरी के अंदर आ गए, तो अब आपके यहाँ क्या करना होगा, अब आपको जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स। यहाँ पर आके आपको जो है एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ लिखा होगा न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर आपको आपका ng rog का टोकन एंटर करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा चलिए दिखाता हूँ। ये ng rog है, जैसे ही आप ng rog को लॉगिन करेंगे तो ये आपका फ्रंट पेज ओपन होगा। ng rog में अकाउंट किस तरह बनाते हैं आप देख सकते हैं। ng rog में अकाउंट बनाने के बाद आपको तो फर्स्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका टोकन। टोकन आपको कहाँ मिलेगा, सी योर ऑथ टोकन, ये आपको टोकन रहेगा। इस टोकन को आने के बाद आपको इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो लिखा है न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ कुछ नाम दे रखा है। यहाँ पर मेरे में ऑलरेडी शो कर रहा है ng rog टोकन, आपके में नहीं करता था, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने अपना सीक्रेट पेस्ट किया, देन क्लिक किया ऐड पे। अब मेरा जो ng rog का टोकन है वो मेरी रिपोजिटरी से ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद आपको आना है एक्शन पे। एक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर लिखा है सेट अप वर्कफ्लो योरसेल्फ। आप यहाँ पर इससे एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछेगा एक मेन वायबल फाइल के लिए। तो यहीं पर आपको जो एक कोड है वही है, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको रिपोजिटरी में आके यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम हमारा रनर एडमिन, RUNNER एडमिन, एंड पासवर्ड है पासवर्ड। ओके, यहाँ पर आने के बाद आपको इसे सेव करना है। सेव करने के बाद कमांड चेंज, तो ये अब आपका सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आपको फिर से एक बार एक्शन क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ CI, इस CI पे आपको क्लिक करना है। इस CI पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल जो आपने अभी क्रिएट की थी वही है। आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन दिख रहा है। इससे क्या होगा, ये आपकी जो VPS है उसको क्रिएट करेगा। तो इसको आप एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इसने आपका जो है VPS क्रिएट कर दिया। VPS को क्रिएट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको आपका RDP ओपन करना है, रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ओटीपी है। तो मैंने यहाँ पर वापस आपके NGROC में आया। NGROC में आने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं एक एंड पॉइंट शो कर रहा है, आपको इस एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये है आपका एड्रेस जो आपको NGROC ने प्रोवाइड किया है। चाहे तो आप यहीं से कॉपी कर लीजिए, अगर यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस यहाँ शो कर जाएगा। इसमें क्या है, आपको TCP के बाद का जितना भी एड्रेस है इसे कॉपी करना है। राइट क्लिक कॉपी, ये कॉपी करने के बाद अब हम जो है हमारा VPS रन करेंगे। हमने किया पेस्ट, पेस्ट करने के बाद सी यूजर नेम भी हम पैसे डाल देते हैं। तो यूजर नेम हमारा क्या था, रनर एडमिन RUNNERADMIN। अब इसका रनर एडमिन यूजर नेम क्यों है, क्योंकि इस VPS के जितने भी एडमिन राइट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने क्लिक किया एड कनेक्ट पे। कनेक्ट पर क्लिक होने के बाद यह कनेक्शन क्रिएट करेगा एंड सी हमारे पास आ चुका है। अब हमारा क्रेडेंशियल क्या था, वो था पासवर्ड VCAPITAL@SSW0RD एंड ओके। तो अब देखते हैं हमारा जो VPS है वो रेडी हो चुका है। मैंने यस क्लिक किया एंड बूम, यू कैन सी मेरा VPS आ चुका है। तो जैसे ही आपकी VPS स्टार्ट होगा आपको करना क्या है, जो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको आपको मिनिमाइज करना है, इसको आपको क्लोज नहीं करना है। ओके, इसको मिनिमाइज किया। ठीक है, इसको मिनिमाइज होने के बाद आप जो है आप क्या कर सकते हैं, आपको इस यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, चाहे वो आपके ब्राउजर हो चाहे कुछ भी हो। तो इसका यूज क्या होगा, आपके बग बाउंटी में आप अपनी यहाँ पर बग बाउंटी टेस्ट कर सकते हैं। और मेन थिंग यहाँ पर ये रहेगी कि आपको कोई भी कैच नहीं कर पाएगा। हाउ, लेट्स सी। मैंने क्रोम को ओपन किया, तो जैसे क्रोम ओपन होता है हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारा IP एड्रेस। तो इसको अभी इग्नोर करते हैं, तो ये हमारा ओपन हो चुका है। Got it? तो ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल क्रोम प्रॉपर गूगल प्रो। चलिए चेक करते हैं इसका IP एड्रेस, इसके लिए लिखेंगे व्हाट इज माय IP, व्हाट इज माय IP। मैंने क्लिक किया एंड लेट्स सी हमारा IP क्या आता है। तो ये हमारी IP शो कर रहा है US। सी दैट मींस वी आर हाइडिंग VPS कनेक्शन। आपको एक चीज और दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। इंटरनेट स्पीड टेस्ट, सी तो ये रहा आपका ओखला जो नंबर वन पे है स्पीड टेस्ट में। एंड नाउ सी द स्पीड ऑफ दिस VPS। मैंने क्लिक किया एंड वॉच, वन जीबी,
ओके 12 आप देख सकते हैं 1 GB पर सेकेंड है इसकी डाउनलोडिंग एंड इसकी अपलोडिंग। देखिए आप ओके तो ये कुछ कम है कोई नहीं और चेक करते हैं यही चेक करते हैं इसमें कितनी खाता है। आप देख सकते हैं कभी कभी इसमें स्पीड कम हो जाती है कभी कभी इसमें फास्ट जाती है बट इसमें ऑलमोस्ट आपकी जो स्पीड रहेगी 1 GB तक रहेगी रहेगी। तो आप इस भी स्पीड के यूज करके आप यहाँ पर और भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई यहाँ पर टेस्टिंग करनी है बिकॉज कोई भी बग पड़ती है स्पीड उसमें मैटर करता है अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये एक आपका फ्री VPS है जिसका आप यूज कर सकते हैं एनी टाइम कहीं पर भी इवन आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं RDP के थ्रू। तो इसमें आप टेस्ट कीजिए प्रैक्टिस कीजिए और फिर फ्री VPS का यूज कीजिए अपने नॉलेज पर्पज के लिए। एंड प्लीज कमेंट अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट या कोई क्वेश्चन है। तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। इसे मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ एंड